नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ले ली है। शपथ के लिए जैसे ही उनका नाम पुकारा जाता है, विपक्ष के सांसदों ने नारे लगाना शुरू कर दिया और उनका स्वागत किया गया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, दूसरे विपक्षी दलों के सांसदों ने भी खड़े होकर उनका स्वागत किया। दोस्तों, राहुल गांधी शपथ लेने के लिए जब आगे बढ़े तो उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी। शपथ से पहले उन्होंने संविधान की कॉपी को हाथ में उठाकर सत्ता पक्ष की ओर दिखाया, इसके बाद ही उन्होंने शपथ ग्रहण करना शुरू किया। देखिए वीडियो। आई राहुल गांधी, हैविंग बीन इलेक्टेड अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डू सॉल्मनली अफर्म दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड अलीजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. कांग्रेस के सदस्य इस दौरान अपने जगह पर खड़े होकर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे भी लगा रहे थे। राहुल गांधी, आपको बता देते हैं कि इस बार दो सीट यानी कि रायबरेली और वायनाड से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया है। अब वो रायबरेली से सांसद हैं। दोस्तों, जिस वक्त संसद में अलग अलग पार्टियों के सांसद अलग अलग अंदाज में शपथ ले रहे थे, ओवैसी जय फिलिस्तीन कह रहे थे, छत्रपाल गंगवार जय हिंदू राष्ट्र कह रहे थे, अरुण गोविल जय श्री राम बोल रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने बड़ी ही सादगी के साथ शपथ ली, साथ ही जय हिंद और जय संविधान भी कहा। उन्होंने जय संविधान बोलकर अपनी शपथ को पूरा किया। दोस्तों, शपथ लेने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद जय संविधान का नारा लगाकर यह संदेश दे दिया है कि यह देश संविधान से ही चलेगा, यह हिंदुस्तान संविधान से चलता है। और जिस संविधान को बचाने की लड़ाई इंडिया गठबंधन ने शुरू की थी, आज वो सफल हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, शपथ लेकर राहुल जब नीचे उतरने लगे, फिर दोबारा वो स्पीकर से मिलने के लिए उनके पास गए, उन्होंने न सिर्फ स्पीकर से हाथ मिलाया बल्कि बगल में जो स्टाफ मेंबर खड़े हुए थे उनसे भी राहुल ने दोबारा पलटकर हाथ मिलाया, और उनके पीछे जो मार्शल खड़े थे उनको भी राहुल ने अपना हाथ दिखाकर सलाम ठोका। देखिए किस तरीके से पहले राहुल स्पीकर से मिलते हैं, फिर वहां खड़े आगे जो स्टाफ खड़ा है उनसे मिलते हैं, और फिर जो उनके पीछे खड़े हैं उनसे भी वो सलाम करते हैं। उनकी इस बात की दोस्तों अब खूब चर्चा हो रही है, खूब तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि शायद इसीलिए राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है, क्योंकि वो किसी में भी कोई फर्क नहीं करते हैं, हर किसी को ऐसे ही सम्मान देते हैं जैसे एक इंसान को मिलना चाहिए, जैसे कि एक नेता को या किसी भी आम इंसान को सम्मानित किया जाना चाहिए। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, यूं ही नहीं राहुल गांधी जननायक कहलाते हैं, हर आदमी को समानता और सम्मान देना ही उन्हें खास बनाता है। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि बहुत खुशी हुई राहुल गांधी को शपथ लेता देखकर, अच्छा लगा देखकर कि राहुल गांधी, किशोरी लाल शर्मा और इमरान सभी ने शपथ ली है। इसके अलावा जैकी यादव का ये ट्वीट भी देखिए, उन्होंने राहुल की तारीफ में लिखा है कि आखिर यूं ही नहीं कोई जननायक बन जाता है, राहुल गांधी शपथ लेने के लिए गए हुए थे, उन्होंने अपनी शपथ लेने के बाद स्पीकर साहब से हाथ मिलाया, उसके बाद वो लौटने लगे, वैसे ही उनके दिमाग में कुछ आया और वो वापस लौटे और स्पीकर के पास खड़े व्यक्ति से भी हाथ मिलाया, और एक व्यक्ति थोड़ी दूर पर खड़े थे तो उनसे दूर से ही अभिवादन कर लिया। यह है सम्मान, समानता, बराबरी। राहुल गांधी जी ने आज सबका दिल जीत लिया है। कृष्णकांति लिखते हैं कि राहुल गांधी ने शपथ लेने के पहले हाथ में संविधान की प्रतिमा लेकर संसद में लहराई, उसके बाद शपथ ली और फिर नारा लगाया जय हिंद जय संविधान। राहुल गांधी की खास बात है कि वो नरेंद्र मोदी की तरह नहीं बोलते हैं, वो सत्य और संविधान की बात करते हैं, अपने वादे निभाते हैं, जनता के मतलब की बातें करते हैं, और इसीलिए आज वो नरेंद्र मोदी से आगे निकल चुके हैं। यूपी की जनता के बीच आज वो प्रधानमंत्री पद की पहली पसंद है। राहुल गांधी जिस प्रतिबद्धता से संविधान और इसके लिए मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, उसे देश की जनता में एक भरोसा पैदा हुआ है। वो जनता उनके पास संविधान की ताकत के सिवा
कुछ नहीं है, वो आखिरकार राहुल गांधी के साथ खड़ी होगी। दोस्तों, हाथ में संविधान पकड़कर राहुल गांधी की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इससे राहुल गांधी ने बड़ा संदेश दिया है कि सब कुछ सिस्टम और नियम के हिसाब से ही चलेगा। अब आपको क्या लगता है राहुल गांधी के इस पूरे शपथ ग्रहण के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।